नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टाइटल, जिस टाइटल में हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से न्यूज़ जो है वो बनती और बिगड़ती हैं। जिस प्रकार से इन दिनों हम रोजाना एक बहुत खूबसूरत सी इमेज देखते हैं, हमारे सामने कभी साफ सुथरी दिल्ली दिखाई जाती है, कभी साफ हुई गंगा दिखाई जाती है, इन सभी स्थितियों में आज एक इमेज हम आपके साथ लेकर के आए हैं, एक ऐसी स्थिति लेकर के आए हैं जिससे आपको ये बताएंगे कि हर चीज के पीछे कोरोना को क्रेडिट देना ठीक नहीं है, अदरवाइज कोरोना नाराज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मजाक से हटकर के अगर हम बात करें तो हाल ही में इस प्रकार की न्यूज उड़ना शुरू हुई थी कि उत्तरी ध्रुव में ओजोन छिद्र बंद हुआ है। ये तो सही बात थी, उत्तरी ध्रुव में ओजोन छिद्र लगभग 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ ओजोन होल बंद हुआ, लेकिन वो कोरोना के कारण बंद नहीं हुआ है। असल में क्या हुआ साथियों, ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर एक कोपरनिकस करके इंस्टीट्यूट है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सर्च करता है, यूरोप का ही है कंबाइंड रूप से कॉपरनिकस इंस्टीट्यूट, और उसने अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन कोट करी और उसने कहा कि इस बार उत्तरी ध्रुव पर बना हुआ ओजोन छिद्र बंद हो रहा है। बस इतना लिख करके, वो बात लिख करके क्लोज कर दिए। लोगों ने थैंक्स टू कोरोना लिखना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि देखिए, इंसानों की एक्टिविटी जो है वो इनकी प्रभाव से, कोरोना के प्रभाव से लोगों ने काम करना बंद किया और प्रकृति ने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। तो हाल ही में कोपरनिकस इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से ये बात क्लियर करते हुए कहा कि साहब, ठीक बात है कि कोरोना के प्रभाव से प्रकृति यानी नेचर हील हो रही है, लेकिन ओजोन की हीलिंग इसके कारण नहीं हुई है। इसके जगह दूसरा जो फैक्टर उन्होंने बताया वो था पोलर वर्टेक्स। उन्होंने कहा कि पोलर वर्टेक्स बनने के कारण ऐसा हुआ है। तो हम जानेंगे कि ये क्या है पोलर वर्टेक्स और किस प्रकार से इसका प्रभाव हावी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ। नंबर वन मेरे प्यारे साथियों, अन अकेडमी पर आप सभी साथियों के लिए, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस ली जा रही हैं मेरे द्वारा रोजाना सुबह 10 बजे। और उन स्पेशल क्लासेस में कहाँ से उन्हें ढूंढना है, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद स्पेशल क्लास एसएससी सेक्शन में जाके स्पेशल क्लासेस सर्च करें। और रोजाना 10 बजे मैंने इंडियन इकोनॉमी शुरू कर दी है। आज उसका पहला लेक्चर था, कल आपका दूसरा लेक्चर इंडियन इकोनॉमी का स्पेशल सेशन होगा। आप इस सेशन को ज्वाइन करके अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में अपना इंटरेस्ट रेज कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी एकदम बेसिक्स के साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सही हो जाए, तो आप इस बैच को शुरू करें जो कि एकदम फाउंडेशन बैच है। यहां पर मैंने शुरू किया हुआ है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको मैं मैपिंग के साथ आपको समझा के ले रहा हूं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है मैपिंग के साथ, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाएगी आपको मैपिंग के साथ, और इसी क्रम में अन्य सब्जेक्ट आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स भी मेरे द्वारा आपको एसएससी एग्जाम के किसी भी लेवल पर बैठने के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं। यह है एक फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूं जो अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं। अगर आप भी हैं इस क्रम में तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप फीस में 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो एसएससी एग्जाम में जरूरी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, वो भी आपको इसी सब्सक्रिप्शन आईडी में एक ही बार लगाने पर मिल जाएगी। जो क्लासेस निकली हैं वो भी आपको मिल जाएंगी और उनका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। खबर को ध्यान से सुने, हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, कॉपरनिकस एटमोस्फेरिक मॉनिटर सर्विस, ये यूरोपियन यूनियन की एक अर्थ मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। इसने हाल ही में 23 अप्रैल को ये अनाउंस किया था कि भाई, ओजोन का लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है आर्कटिक सर्कल के ऊपर, वो सही हो गया है। लोग पूछने लगे और मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है आर्कटिक सर्कल और कहां की ये बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम जब अर्थ को देखते हैं तो अर्थ के अंदर हमको ये अर्थ की स्ट्रक्चर में मालूम होता है, बीच में तो इक्वेटर है, लेकिन ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे की तरफ साउथ पोल कहलाता है। साउथ पोल की तरफ जो यहां पर एक मेनलैंड है, जिसे आप क्या कहते हैं, अंटार्कटिका, किस नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका। और ऊपर की तरफ जो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, इसे आप जानते हैं आर्कटिक के नाम से, है ना, आर्कटिक।
मेरे प्यारे साथियों, ये जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, यहां पर ओजोन का लेयर जो था वो डिप्लीट हुआ था, यानी कि यहां पर ओजोन के अंदर छिद्र हुआ था, वो छिद्र फिलहाल के लिए बंद हो गया है। तो अब आप पूछेंगे, इसका मतलब सर वो जो हम पढ़ते आए थे ओजोन का डिप्लीशन, जिसे नापने के लिए हम यूनिट काम में लिया करते थे डॉब्सन यूनिट, अब वो सारे काम बंद हो जाएंगे? नहीं भाई, असल में जिस ओजोन को आप पढ़ते आए हैं वो साउथ पोल पर उपस्थित है, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है वो साउथ पोल में स्थित है। फिलहाल के लिए जो बछिद्र बंद हुआ है, ये बना ही था और बना हुआ छिद्र हाल में बंद हुआ है आर्कटिक सर्कल पर। फिर आप पूछेंगे, लेकिन सर बात तो इंटरेस्टिंग है, जब आर्कटिक पर बंद हो गया है तो अंटार्कटिक पर भी हो जाएगा, ऐसा क्या कारण है जिससे ओजोन छिद्र बंद हुआ? तो साथियों, ओजोन छिद्र बंद होने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ओजोन बनती है और ओजोन हमारे लिए फायदेमंद कैसे होती है। देखिए साथियों, यह है एक आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, इसे आप देखने का प्रयास करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 होता है। इस O2 फॉर्मूले के साथ में यदि नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि परमाणवीय ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो O2 और O मिलकर के O3 का निर्माण होता है। बड़ा सवाल बनता है कि सर ये वाली ऑक्सीजन बनी कहाँ से होगी? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने एक ऑक्सीजन को दो हिस्सों में तोड़ा होगा, देखिए एक O2 था इसको दो हिस्सों में तोड़ा तो दो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ये जो दो ऑक्सीजन है ये O2 के साथ मिल गई तो भाई साहब O3 का निर्माण हो गया। तो O3 असल में क्या है? आपकी ऑक्सीजन जिसे आप श्वसन क्रिया में लेते हैं और मुक्त ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रक्रिया से मिलने के कारण मेरे प्यारे साथियों O3 का निर्माण होता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता क्यों है? साथियों, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को टूटने के लिए सूर्य की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणें, जिन्हें आप पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये जिम्मेदार होती हैं। हमको मालूम है कि सूर्य की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि तमाम रेंज की हमारी तरफ आती हैं, उनमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम होती है ज्यादा ऊर्जा वाली होती हैं, अगर हमारे शरीर तक पहुंच जाए तो हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर सकती हैं, वो समताप मंडल में, समताप मंडल बोले तो संताप मंडल का मतलब हुआ स्ट्रेटोस्फेयर। मेरे प्यारे साथियों, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ क्लियर रिएक्शन करती हैं, कौन? यूवी रेडिएशन, और रिएक्शन करके दो मुक्त ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं जो अन्य ऑक्सीजन से मिलकर के O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, सर हम तो ये पढ़ते आए थे कि ओजोन लेयर जो होती है ये असल में पराबैंगनी किरणों को यानी यूवी रेडिएशन को रोकने का काम करती है, लेकिन आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, असल में क्या है, जिस ओजोन की वजह से आपको नुकसान होने सॉरी जिस यूवी की वजह से आपको नुकसान होने वाला था, वो यूवी रेडिएशन ओजोन के निर्माण में लग गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप तक आने वाला था सूर्य का प्रकाश अल्ट्रावायलेट, उसको ऑक्सीजन ने खुद के ऊपर ले लिया और खुद के ऊपर लेकर के अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया, किसमें? O3 में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए कि ओजोन का जो निर्माण है असल में वो होता ही अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन के द्वारा रोकी नहीं जा रही हैं, असल में ओजोन का निर्माण कर रही हैं, यानी ऊर्जा का जो स्रोत है। फिर आप पूछेंगे, सर फिर ये क्यों कहते हैं कि ओजोन का डिप्लीशन हो जाएगा, ओजोन विघटित हो जाएगी तो सूर्य का प्रकाश नीचे आ जाएगा? कारण है साथियों, कारण क्या है कि कई बार जिस ओजोन को आपने अभी बनाया ये क्लोरीन के मुक्त मूलकों के साथ यानी फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CLO, ध्यान से सुनिएगा, CLO और O2 का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CLO और O2 का निर्माण करते हैं, अर्थात जिस चीज को बड़ी मेहनत से यूवी ने बनाया था वो कन्वर्ट किसमें हो गई? वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। और फाइनली जो ओजोन की परत बनी थी यानी O2 ने मिलकर के जो ओजोन बनाया था, जो कि अब एक लेयर का काम कर रहा था, किसको जाने से रोक रहा था?
सनलाइट को जाने से रोक रहा था मेरे प्यारे साथियों जमीन पर, वो इस क्लोरीन के कारण से डिप्लीट होकर के केवल ऑक्सीजन तक रह गया। मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन पहले ओजोन बनाने के काम आया था, अब वो ओजोन बचा ही नहीं, तो यूवी रेडिएशन जो है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम लोग चिंतित होने लगे। यही कारण है कि हमने क्लोरीन पैदा करने वाले जो कारक थे, जिन्हें ओजोन विघटनकारी कारक कहते हैं, जिनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है, जिसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल किया था जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन पूरी तरह रोक दिया जाएगा, और यही आधार भी था कि हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण रोक दिया। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, आपने जो बातें बताई वो तो ठीक हैं, लेकिन एक बात फिर से ये समझाइए, आफ्टर ऑल ओजोन की परत मतलब हील कैसे हुई है? तो मैंने कहा भाई कोरोना के कारण तो नहीं हुई। फिर आप पूछेंगे अच्छा तो लोगों ने सर आजकल जो यूज करना बंद किया है, वो जो यूज करते थे लोग आज से पहले, हमने कहा क्या? बोले आप जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद करते थे आजकल शायद वो करना बंद कर दिया है इसलिए हो गया होगा। नहीं भाई, इसका और भी एक कारण है, और वो क्या है? वो है पोलर वर्टेक्स। अब ये पोलर वर्टेक्स क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पोलर वर्टेक्स पोल पर चलने वाले चक्रवात हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जिस तरह से साइक्लोन आप सुनते हैं, पोल पोल कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो मेरे प्यारे साथियों पोल पर चलने वाले चक्रवात पोलर वर्टेक्स कहलाते हैं। उत्तरी ध्रुव पर चलने वाले चक्रवात और दक्षिणी ध्रुव पर चलने वाले चक्रवात। इस बार क्या हुआ है कि उत्तरी ध्रुव जो कि ऊपर की तरफ है, यहां पर एक स्टेबल पोलर वर्टेक्स बना है। बोले चक्रवात से पोलर वर्टेक्स कहलाता है, ये तो समझ नहीं आया, अभी और समझाते हैं मेरे प्यारे साथियों। सामान्यतया जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो हम जमीन की सतह पर बात करते हैं। जमीन की सतह से मतलब हुआ हम बात करते हैं जमीन के आसपास चलने वाले हवा के बवंडर की। लेकिन जब पोलर वर्टेक्स की बात की जाती है तो ये साधारणतया जमीन से 9 से 10 माइल ऊपर बनते हैं, लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर बनने वाले चक्रवात होते हैं। ये क्यों बनते हैं? इसके पीछे ज्योग्राफी का फीचर है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जब जेट स्ट्रीम बहुत मजबूत होती हैं तो ये पोलर वर्टेक्स एक ही क्षेत्र में बन करके घूम रहे होते हैं। हवा में दाब के परिवर्तन के कारण इन चक्रवातों का निर्माण होता है। उत्तरी ध्रुव पर बना हुआ इस बार का चक्रवात बहुत स्ट्रांग था। ऐसी स्थिति में चूंकि ध्रुव पर पहले ही सर्दी बहुत होती है और इस बार टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ गया था, और यह डाउन हुआ टेम्परेचर केवल जमीन पर तो था ही नहीं, मैंने कहा आकाश में था, यानी कि समताप मंडल की तरफ था, और ये उच्च ये जो बहुत कम टेम्परेचर तक पहुंचा हुआ चक्रवात था, इसने अपने चक्र के चक्कर में अपने चक्र में ओजोन परत को हील कर दिया। ऐसा कहा है कॉपरनिकस इंस्टीट्यूट ने। इसने कहा है कि इस बार चक्रवात जो कि पोलर वर्टेक्स था उसके बनने के कारण से ओजोन परत की हीलिंग हुई है। कोरोना के कारण प्रकृति इतनी भी साफ सुथरी नहीं हो गई कि 15 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी हील हो जाए। उम्मीद है आप सभी साथियों को ओजोन परत की हीलिंग से जुड़ी हुई बात, ओजोन परत का उपयोग, ओजोन का निर्माण और पोलर वर्टेक्स का योगदान समझ में आया होगा। बड़े सरल शब्दों में मैंने कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया है। डिटेल के लिए आप लोगों को कभी स्पेशल क्लास में समझाएंगे जेट स्ट्रीम्स कैसे चलती हैं, दाब की विकिरण किस प्रकार बनती हैं, दाब चैंबर्स कैसे बनते हैं, प्रेशर चैंबर्स कैसे बनते हैं, इसी स्पेशल सेशन में हम लेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा समझाने के लिए। फिलहाल के लिए इतनी ही बात आप समझें। मेरा ये है टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई अंकित अवस्थी सर, जिस पर 1 लाख के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएं। यहां पर आप लोगों को मेरी क्लास की नोटिफिकेशंस और मेरी क्लास की पढ़ाई जाने वाली पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम पर है जीके बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से, चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो आप उन्हें 9th से 12th के लिए CBSE द्वारा जारी की गई क्लासेस भी दिलवा सकते हैं जो अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं CBSE के लिए। अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वाईफाई डिफेंस को सब्सक्राइब करें। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वाईफाई लाइव टेस्ट सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, फिर सुबह मुलाकात होती, तब तक के लिए आप सभी से